प्रचलित साहित्य का आधार भी जरूरी नहीं है। अलग भाषाओं से साहित्य चुनकर उस पर नृत्य की रचना कर सकते हैं। जब हमने कथक में ऐसे प्रयोग किए तब हमें लगा कि कथक में नवीनता आ रही है, एक नई दिशा मिल रही है, और ये सब कुछ हमने उसकी परंपरा को तोड़कर नहीं किया बल्कि परंपरा के दायरे में रहते हुए किया। और इसका मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दिखाने जा रही हूँ। एक प्रत्यक्ष अकरा मात्रेचा अनवट तालाचं अष्टमंगल तालाचं